हेलो गाइस, सो वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल के सेंटर्स की। सो बेसिकली एक ट्रायंगल में कितने तरह के सेंटर्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, सो हम उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। सो बेसिकली चार तरह के सेंटर्स होते हैं ट्रायंगल के अंदर। एक होता है सेंट्रॉइड, देन सर्कम सेंटर, देन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर, के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम बात करें ट्रायंगल के सेंटर्स के बारे में, सो बेसिकली ये फोर टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सर्कम सेंटर, देन सेंट्रॉइड, देन इन सेंटर एंड लास्ट ऑर्थो सेंटर। ये चार सेंटर्स होते हैं बेसिकली। अब हमें इन चारों के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहले देख लेते हैं ओवरऑल कि कौन सा वाला सेंटर किस चीज़ के इंटरसेक्शन से बनना है। सो सर्कम सेंटर जो होता है वो जब हम किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट, वो होता है सर्कम सेंटर। देन हम सेंट्रॉइड की अगर बात करें तो जब भी हम ट्रायंगल में कोई मीडियन ड्रॉ करते हैं सो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाता है, हमारा सेंट्रॉइड। देन इन सेंटर की अगर हम बात करें तो जब भी हम किसी भी ट्रायंगल में एंगुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं सो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाता है हमारा इन सेंटर। और लास्ट ऑर्थो सेंटर, जब हम किसी ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करते हैं तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या बनता है, ऑर्थो सेंटर। सो ये तो हो गया ओवरऑल एक आइडिया, बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड्स, मीडियन एंड बाइसेक्टर क्या होते हैं ये हम अलग अलग अभी समझने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सर्कम सेंटर से। सो सर्कम सेंटर मैंने क्या बताया था, सर्कम सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉन इन अ ट्रायंगल। सो एक ट्रायंगल में जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं सो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा सर्कम सेंटर कहलाता है। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले देखते हैं होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये लाइन है, जैसे कि यहाँ पे एक ये ब्लैक लाइन जो है ये हमारी मेन लाइन थी। सो इस ब्लैक लाइन के बीचों बीच से अगर हम एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करते हैं, ये ब्लैक लाइन हमारे पास था, इस पे से हमने एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर दिया और एग्जैक्टली इसके मिडिल पे ऐसे हमने एक 90 डिग्री पे लाइन एड ड्रॉ कर दिया। सो यही लाइन जो है इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बिकॉज इट इज एट 90 डिग्री एंगल फ्रॉम दिस लाइन, एंड बाइसेक्टर इसलिए बिकॉज ये इस लाइन को, ब्लैक लाइन को बराबर बराबर पार्ट्स में ब्रेक कर देगा, ठीक है। सो इसीलिए हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। सो अगर हम एक ट्रायंगल देखें, सपोज हमारे पास ये ट्रायंगल है यहाँ पे, सो अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें सो ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल पे हमने क्या किया, हमने हर साइड से एक एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। जैसे मान लीजिए ये वाला साइड, इस साइड पे हमने क्या किया, मिडिल पॉइंट चूज किया और उस मिडिल पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। उसी तरह इस वाले साइड से भी एंड नीचे वाले बॉटम वाले साइड से भी। सो ये सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेंगे यही सेंटर वाला पॉइंट, ये गाइस आप पॉइंट्स देख सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट तीनों का। सो यही पॉइंट हमारा क्या होता है, सर्कम सेंटर। सो गाइस आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सर्कम सेंटर क्या होता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रॉइड की। अब सेंट्रॉइड बनता है मीडियन से। सो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक मीडियन होता क्या है। सो अगर हम एक मीडियन की बात करें सो मीडियन मीन्स हम इस बार लाइन का सेंटर पॉइंट तो लेंगे। मान लीजिए हमने सपोज एक ट्रायंगल है, इस वाली साइड का हमने सेंटर पॉइंट तो लिया, बट इस बार हम उसको 90 डिग्री पे जस्ट ड्रॉ कर देने की बजाय हम क्या करेंगे, इस साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे उसके ऑपोजिट वाले वर्टेक्स से। उसी तरह मान लीजिए ये साइड ए बी को देखते हैं तो साइड ए बी के मिड पॉइंट को हमने लिया और उसको ज्वाइन कर दिया किसके साथ, ऑपोजिट वाले वर्टेक्स के साथ। उसी तरह साइड बी सी को हम देखेंगे, साइड बी सी का हमने ये मिड पॉइंट लिया और इसको ज्वाइन कर दिया इसके ऑपोजिट वाले वर्टेक्स के साथ। तो कोई भी ऐसी लाइन जो एक साइड का मिड पॉइंट है एंड वो अपने ऑपोजिट वाले वर्टेक्स के साथ लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे सो वही लाइन क्या कहलाती है, मीडियन। सो अगर ये तीनों मीडियंस हम ड्रॉ करते हैं और ये जहां जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कि ये पॉइंट हमारा है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इन सेंटर की। सो इन सेंटर क्या होता है, अब इन सेंटर बनता है एंगुलर बाइसेक्टर्स से। सो एंगल बाइसेक्टर्स या एंगुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एंगल है, सो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि ये दो ब्लैक लाइन्स हैं, ये मान लो अगर 60 डिग्री पे ऐसे एंगल फॉर्म कर रही थी। सो 60 डिग्री का अगर एंगल ये फॉर्म कर रही होती सो अगर एक लाइन 30 डिग्री पे, यानी कि उस एंगल के बीचों बीच वाले एंगल पे इस तरह हम ड्रॉ कर देते हैं जो कि उस मेन बड़े वाले एंगल को एग्जैक्टली हाफ बाइसेक्ट कर रही होती या डिवाइड कर रही होती, सो ये वाली लाइन, रेड वाली लाइन क्या कहलाएगी, इस पर्टिकुलर एंगल का एंगुलर बाइसेक्टर। क्यों, क्योंकि मान लो अगर ये एंगल 60 होता पूरा तो इस 60 वाले एंगल को ये लाइन हाफ से यानी कि 30 30 में डिवाइड कर देती।
सो यही लाइन हमारी क्या हो जाती है, एंगुलर बाइसेक्टर। सो ऐसे ही मान लो कोई एंगल है, कुछ भी एंगल हो सकता है, जरूरी नहीं 60 हो, कोई भी एंगल हो सकता है। उस एंगल को अगर हम बराबर से यानी कि 20 से ऐसे बाइसेक्ट कर दें, सो यही लाइन होता है एंगुलर बाइसेक्टर या फिर एंगल बाइसेक्टर। सो अब बात करते हैं इन सेंटर की। सो अगर मान लो एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स यानी कि ये वाला वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स से हम एंगुलर बाइसेक्टर्स अगर ड्रॉ करते हैं, मान लो ये एक एंगल बाइसेक्टर, इस वाले एंगल का हमने ड्रॉ किया, इधर वाले साइड, इधर वाले वर्टेक्स का भी हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया और इधर वाले एंगल का भी हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। सो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इन सेंटर। सो इन सेंटर एक और तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि जो इन सेंटर होता है वो एक ऐसे सर्किल का सेंटर होता है जो कि उस ट्रायंगल के अंदर अगर हम ड्रॉ करें और वो सर्किल उस ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करते हुए निकलना चाहिए। सो ऐसा अगर हम कोई सर्किल ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल के अंदर जो तीनों साइड्स को टच करता हुआ बने, तो उस सर्किल का जो सेंटर होगा उसी को हम बोलते हैं इन सेंटर। और इसको फाइंड करने का तरीका क्या है कि हम उस ट्रायंगल के तीनों तरफ से ऐसे एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें और वो जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, इन सेंटर। सो नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं ऑर्थो सेंटर की। सो ऑर्थो सेंटर मैंने आपको क्या बताया था, किस चीज़ का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ऑल्टीट्यूड्स का। सो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑल्टीट्यूड्स होते क्या हैं। सो ऑल्टीट्यूड का मतलब, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। सो मान लो अगर आपको इस ट्रायंगल का हाइट बताना है, ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट। सो आप हाइट कैसे बताओगे, हाइट अगर मान लो इसका टॉप पॉइंट हम लेते हैं बी, सो इस बी पॉइंट का हाइट ए सी से कितना होगा, हम क्या करेंगे बी वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऑपोजिट वाले साइड तक और इस पे एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री का। तो यही होता है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब एक वर्टेक्स से हमने लाइन ड्रॉ किया ऑपोजिट साइड पे और ऑपोजिट साइड पे वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे फॉल करना चाहिए। सो यही होता है ऑल्टीट्यूड। अब मान लो ट्रायंगल कुछ ऐसा हो, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सो यहाँ के केस में अगर हम बी का ऑल्टीट्यूड लेंगे, सो अगर हम बी से एक लाइन नीचे फॉल करें, सो 90 डिग्री पे वो कब फॉल करेगी, जब हम उसको यहाँ पे फॉल कराएंगे। सो एक लाइन ऐसे हम एक्सटेंड कर देंगे, सो ये बी डी हो जाएगा ऑल्टीट्यूड इस ट्रायंगल का। सो अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो वहाँ पे ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर फॉल करेगा यहाँ पे। सो ये ऐसे कुछ बनेगा ऑल्टीट्यूड। सो अभी आप समझ गए होंगे ऑल्टीट्यूड क्या होता है। सो अगर हम एक ट्रायंगल में, हम एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं ए बी सी और इसमें हम बनाने वाले हैं हर वर्टेक्स का ऑल्टीट्यूड। मान लो हम बी बी वर्टेक्स लेते हैं, सो बी वर्टेक्स का अगर हम ऑल्टीट्यूड बनाएंगे सो वो कुछ ऐसा बनेगा, बी वर्टेक्स से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऑपोजिट साइड पे जो कि 90 डिग्री पे यहाँ फॉल होगी। उसी तरह हम एक ए साइड से एक लाइन लेंगे जो कि ऑपोजिट साइड पे 90 डिग्री पे ऐसे फॉल करेगी। उसी तरह हम सी साइड से एक लाइन लेंगे जो कि ए बी वाले लाइन पे 90 डिग्री पे ऐसे फॉल कर रही है। सो ये तीनों ऑल्टीट्यूड्स हमने ड्रॉ किए और ये जहाँ पे जिस पॉइंट पे भी आके इंटरसेक्ट करेंगे बीचों बीच में वही हो जाएगा हमारे ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर। तो गैस ये थे चारों सेंटर से ट्रायंगल के, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। सो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये चारों सेंटर्स क्या होते हैं एंड इन्हें कैसे फाइंड किया जाता है। और ये आपको आगे कई जगह पे काम आएगा, कई जगह पे पूछ लिया जाता है या फिर इसको ड्रॉ करने के लिए आ जाता है, तो आपको ये पता होगा तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो आई होप अभी आपको समझ में आ गया। तो गैस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।